इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। जमदग्नि ने कहा कि वो परशुराम, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी माँ का वध करो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह से पुत्र पिता का हुआ और पितृ सत्ता आई, और तब पिता ने अपने पुत्रों को मारा। जहांवी ने अपने पद से कहा कि मैं तुमसे कहती हूं कि तुम मेरी संतानों को मुझ में डुबो दो, और राजा शांतन ने अपनी संतानों को गंगा में डुबो दिया। लेकिन शांतन जहांवी का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, धर्म किसी का नहीं होता, लेकिन राजा के सब होते हैं। गाय भी, गंगा भी, गीता भी, और गायत्री भी। और राजा तो खैर, और ईश्वर तो खैर राजा के घोड़ों को घास ही छीलता रहा, बड़ा नेक था बेचारा ईश्वर, राजा का स्वामी भक्त। लेकिन अफसोस है कि अब नहीं रहा, बहुत दिन हुआ मर गया। और जब मरा तो राजा ने उसे कफन भी नहीं दिया, दफन के लिए उसे 2 गज जमीन भी नहीं दिया। किसी को नहीं पता है कि ईश्वर कहाँ दफनाया गया। खैर, ईश्वर मरा अंतोदगत्वा, और उसका मरना ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मत यह भी है कि राजा भी मरा, रानी भी मर गई, और उसका बेटा भी मर गया। राजा लड़ाई में मर गया, रानी कढ़ाई में मर गई, और बेटा कहते हैं कि पढ़ाई में मर गया। लेकिन राजा का दिया हुआ धन रहा, और धन वचन हुआ और बढ़ता गया। और फिर वही बात कि हर सभ्यता के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ। ये लाश जली नहीं है, जलाई गई है। ये हड्डियाँ बिखरी नहीं है, बिखेरी गई हैं। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। ये लड़ाई छिड़ी नहीं है, छेड़ी गई है। लेकिन कविता भी लिखी नहीं है, लिखी गई है। और जब कविता लिखी जाती है तो आग भड़क जाती है। मैं कहता हूँ तुम उसको बचाओ मेरे लोगों इस आग से, तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे पूरब के लोगों, जिनके सुंदर खेतों को तलवार की नोकों से जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों के तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों मुझे बचाओ इस आग से, जिनकी स्त्रियों को बाजारों में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिवनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों मुझे बचाओ इस आग से, जिनके पुरखों की पीठ पर पहाड़ लाद कर तोड़ा गया। तुम सुदूर दक्षिण के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी बस्तियों को दावाग्नि में झोंका गया, जिनकी नाव को अतल जलराशियों में डुबोया गया। तुम वे सारे लोग मिलकर मुझे बचाओ, जिनके खून के गारे से पिरामिड बने, मीनारें बनी, दीवारें बनी। क्योंकि मुझको बचाना उस स्त्री को बचाना है जिसकी लाश मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी है। मुझको बचाना उन इंसानों को बचाना है जिनकी हड्डियां तालाब में बिखरी पड़ी हैं। मुझको बचाना अपने पुरखों को बचाना है। मुझको बचाना अपने बच्चों को बचाना है। तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कभी।